आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। एरोमा के वैसे भी मैंने बहुत सारे नेक बैंड के मैंने रिव्यू किए, तो आज एक एयरबड है जिसका मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, एरोमा का NB137A या कौन सा पता नहीं, आप देख लेना जो आपको टाइटल और थंबनेल में आपको दिखेगा। तो ये वाला जो एयरबड है, स्पेशली जो एयरबड ये आया है, मैं इससे आपको डेफिनेटली बताऊँ कि बहुत सारा चीज़ आपको पता चले कि एरोमा कहाँ पर बेहतर कर रहा है और कहाँ पर मार खा रहा है। एयरबड के हिसाब से देखो तो ये 800 रुपये का ये आता है, और 800 रुपये के प्राइस में क्या आपको ये लेना चाहिए? अभी तो फिलहाल इसका प्राइस उसका वही चल रहा है, तो क्या इस प्राइस में आपको ये लेना चाहिए? तो सबसे पहला आज मैं आपको पूरा बताऊँगा कि भाई क्वालिटी से लेकर हर चीज़ बताऊँगा। थोड़ा भी आप इस वीडियो को मिस मत करना, छोटा सा वीडियो के अंदर आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि लेना है कि नहीं लेना है। बाकी सब आप वीडियोस देखेंगे वहाँ पर आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएगा, पूरा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा 10 मिनट 8-10 मिनट आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ 4 मिनट के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं साउंड क्वालिटी की। साउंड क्वालिटी लगभग मुझे लग रहा है कि जितने भी एयरबड्स हैं मैं अभी तक देख चुका हूँ सबका साउंड क्वालिटी एक जैसा लगा, तो उस हिसाब से इसका साउंड क्वालिटी में बिल्कुल बिलो एवरेज बोलूँगा, क्योंकि इसके पहले मैंने एक रिव्यू किया था एडिविलो का समथिंग कोई, उसका साउंड क्वालिटी के जैसा ही इसका है, वो 379 का और ये 799 का, तो आप सोचो कि कितना फ़र्क है। तो उस हिसाब से बिलो एवरेज में इसका साउंड क्वालिटी जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कॉल की, कॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कॉल आपका बराबर चलेगा। सिंगल पिकअप में आपका मतलब एक बटन रिस्पॉन्सिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बैटरी की बात करते हैं यहाँ पर, अब दोस्तों अगर आप मुझे पूछोगे बैटरी के बारे में तो आप कंफ्यूजन होने वाले। बहुत सारे लोग को ये डाउट है कि इसका जो बैटरी बैकअप है वो 80 आवर्स तक जाएगा, यानी कि 4 दिन का आपको बैटरी बैकअप देगा हैवी यूसेज में, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर क्या है कि एक पावर बैंक की जरा ऐसा काम करता है इसका जो चार्जिंग केस है वो आपको देगा। अगर आप इस एयरफोन को नॉर्मल चार्ज करते हो, चार्ज करने में आपको लगेंगे कम से कम एयरफोन को चार्ज उसकी जो ये वाला क्या बोलते हैं उसका जो चार्जिंग केस है उसको चार्ज करने में आपको लगेंगे लगभग 2.5 से 3 घंटे, और एयरफोन को चार्ज करने में आपको 1.5 घंटे से 1 घंटा लगेगा। तो वो आपका चार्ज होना चाहिए। तो मतलब क्या होगा, इन्होंने क्या एक्चुअली इस एयरफोन में क्या है कि 2 घंटे आपको चार्ज मिले, अगर आप चार्ज करोगे फुल तो आपको 2 घंटा मिलेगा, लेकिन आपको उसके बाद यहाँ पर जो 80 आवर जो बताया गया है वो आपको चार्ज केस पे मिलेगा। मतलब कि अगर आपके पास वो चार्जिंग केस अगर है तो आपका जब भी चार्जिंग उतर जाएगा तो आपको उसको फिर से चार्ज करना है 2 घंटे के बाद निकालना। तो मुझे बताओ कि कहाँ का फिर ये 80 आवर हुआ, क्योंकि आप जब इसे चार्ज पे लगाओ तब आप इसे यूज़ ही नहीं कर सकते, तो चार्ज पे तब ये पूरा एक घंटा रहेगा, तो 1 घंटा तो आप उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। तो कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ कि आप समझो कि एक एयरफोन को चार्ज पे रखो और दूसरे को अपने कान में लगाओ, और जब दूसरे का बैटरी बैकअप कम हो जाए फिर तीसरे उसको निकाल के वापस उसको लगा दो, तो वो आप तो ऐसा करके आप इसे यूज़ कर सकते हो। मतलब कोई एक एयरफोन को आप एट वन टाइम आप यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा मेरे हिसाब से आपको जो भी आप देखोगे तो मतलब 80 आवर्स आपको चार्ज केस के साथ। तो मेरा रिकमेंडेशन है भाई आपको बिल्कुल भी खरीदना नहीं चाहिए, इससे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया ऑप्शन आपको और मिल जाएंगे, लेकिन आपको देखना है कि भाई आपको खरीदना चाहिए कि नहीं, क्योंकि 80 आवर्स का मिलता है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में मैंने कुछ रिव्यू किया है जिसके अंदर आपको 48 आवर्स तक का आपको बैटरी आपको आवर्स मिल रहा, तो वो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया रहेगा, वो आप एक बार ट्राई करो। तो मैंने वीडियो बनाया, जस्ट मैं अभी क्या करने वाला हूँ, प्लेलिस्ट बनाऊंगा एयरबड का, तो आप एयरबड का प्लेलिस्ट जाके देख लेना, वहाँ पर आपको बहुत सारे कम प्राइस में प्राइस के हिसाब से मैं जो भी है मैं बताया हूँ वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो।